एक ही कमरे में हम दोनों बहन थे। हाँ। सारे लोग तो दूल्हा को विदाई में लगे थे, टीका कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। हाँ। तो हम दोनों बहनें देखी तो थी नहीं पहले, मुंह बंद करके शादी हुई पूरा। हाँ। ऐसे झुका के सुबह जब दोनों जने देखे तो वो कह रही है ये तेरा वाला है, मैं कह रही नहीं ये तेरा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज सबसे पहले घर में मैं उठा क्योंकि मुझे जाना था। एनर्जी नहीं है, अच्छी तरह से बोलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज सुबह सुबह मैं उठा, सबसे पहले हेयर कट कराने गया क्योंकि कल मेरा एक शूट है, मैं हेयर कट करा के आया हूँ। और अब आज पूरी फैमिली के साथ मैं जा रहा हूँ कम से कम एक हफ्ते के बाद स्टारबक्स कॉफी पीने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सुबह का दिन हो चुका है और 12 बज चुके हैं, हम सब तैयार हैं और सिर्फ वेट हो रहा है मम्मी का, क्योंकि मम्मी तैयार हो रही है। मम्मी कह रही है आज मेरा भगबिल्लर बेटा तैयार है, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अविनाश जा रहा है। इस चक्कर में मम्मी को समझ नहीं आ रहा, इधर भाग रही है उधर भाग रही है कि अविनाश भी हमारे साथ जाएगा। मम्मी को किसी की नहीं पड़ी है, मम्मी को सिर्फ ये है कि मेरा बेटा मेरे को कहीं लेके जा रहा है, बस उस चीज की ज्यादा खुशी है। उस चक्कर में मम्मी बहुत जल्दी तैयार हो रही है, तैयार होते होते 12 बज गए हैं। ये गुड मॉर्निंग कर दो धर कुशवाहा। गुड मॉर्निंग, मैं सबसे लेट हूं। ये नहीं, उस दिन से तो टाइट है, टाइट है, ढीला है, मतलब उस दिन वाला तो बिल्कुल ही धर कुशवाहा था। चलो ना, चलो 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 भाई, लेट मत करो, आपका बेटा तैयार है। प्लान चेंज होता रहता है ना। बेटा कब चेंज हो जाएगा आपको पता ही नहीं है, अभी फिर हो गया जाएंगे। अरे आपका बेटा सिर्फ चेंज ही हो रहा है। पैंट पहन लूं? अच्छा, मेरे को मम्मी क्यों पैंट पहन ले। तो जी हम लोग निकल गए हैं कॉफी की ओर, फाइनली परिवार इकट्ठा है, एक हफ्ते के बाद पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और मम्मी सबसे ज्यादा खुश है इस चीज पे। मैंने बहू ने इतना ख्याल रखा लेकिन बहू को कुछ ना मिला, बेटा आते ही बेटा प्यार, वो क्या पुत्र पुत्र प्रेम स्टार्ट हो गया है। नहीं नहीं, पुत्र क्या कहते हैं उसको, पुत्र मोह शुरू हो गया है। पुत्र मोह में खाना पीना सब भूल जाती है मम्मी। बहू मोह है, क्यों नहीं है? वो तो आज ही सुबह सुना था मैंने। नहीं, बराबर है एकदम, बराबर है। लेकिन बहू को कम लगता है। नहीं नहीं मम्मी, मेरे को कम नहीं लगता। बहू को क्या, बहू गजनी है, रोज याद दिलाना पड़ता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। बहू भूल जाती रात भर में, गजनी है ना। नहीं मेरे को वो बहू का सबके साथ है, वो मुझे भी याद दिलाना पड़ता है। नहीं नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मम्मी पापा मुझे कम प्यार करते हैं। कल पता चला है कि आप झूठती हो हमें सुबह, तो मैं आज सुबह ही 3 बार देखी हूँ कि जब उठेगी जब जग बैठ जाऊंगी। नहीं मम्मी उठाती नहीं है सुबह मेरे को। अरे ढूंढती इसलिए, उसको अपने साथ 4 आलसी चाहिए ताकि खुद को शिकायत अपनी ना करनी पड़े कि मैं आलसी हूँ। 4 लोग और भी तो बैठे हैं। अरे नील तो बहुत चनक का करवाई है। अच्छा लग रहा है मम्मी नाखून देखियो। अरे तुम मेरे नाखून की बात कर रही हो, अपनी मम्मी के नहीं देखे? मेरा भी तो हुआ है, तुझे नहीं पता? इसको पता ही नहीं। अरे मेरा भी हुआ है लेकिन मेरे नाखून कम है तो क्या करें। तो इनको भी वो लगवा देती ना, चुड़ैल वाला बड़े बड़े? नहीं नहीं, उनको जेल पेंट ही लगवाया। दादा चुड़ैल वाला नहीं रख पाऊंगा, मतलब ये चुड़ैल है। मम्मी को जेल पॉलिश ही लगवाई है जो उतरेगी। तो जी वापस आने के बाद मम्मी और मैं थोड़ा सा खाना बनाने में लग गए हैं। मम्मी ने मेरे को ये प्याज टमाटर काट के दिया और मैं यहाँ पे तरकारी बना रही हूँ। बैठ के बतिया भी रहे हैं, गॉसिप भी चल रही है और खाना भी पक रहा है। मम्मी को मसाला चावल तीखे वाले खाने थे, यहाँ पे तैयार हो गए हैं सरसों के तेल के मसाला चावल। तो जी हम लोग घर आए, उसके बाद मैं तो आप लोग को दिखा नहीं हुआ क्योंकि मैं सो गया। मेरे सर में इतने जोर से दर्द हो रहा था, बाम लगा के और इससे कवर करके ताकि थोड़ा गर्म रहे। अब मैं उठाऊं तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो मेरी बेबी ने मेरे लिए अंडे उबाले हैं और उबालने के बाद अब मेरी बेबी अंडे छील भी रही है और मुझे डर इस बात का छीलने के बाद खुद खा भी ना जाए। नहीं नहीं, मेरे को भूख नहीं, मेरे को अपनी कॉफी चाहिए। मैं भी पीऊंगा कॉफी तुम्हारी वाली। हाँ मैंने आज देखो तुम्हारी वाली चाय भी पी है। तो मम्मी पापा कल व्लॉग नहीं देखेंगे क्या? उसमें नहीं पता चलेगा, उसमें से काट दूं ये आटा क्यों? मेरी से पहली बार अंडे करेक्ट कैसे छिले जा रहे हैं? अभी नमक कम है, नमक ज्यादा खाना भी नहीं है। ये क्या डाल दिया इसके ऊपर? अरे तो गरम मसाला है, जीरा पाउडर है। आदमी चलो खा, बाहर ले जाके खाऊं यहीं खाऊं? हाँ जाओ ना तुम बाहर, फिर मैं कॉफी लेके आती हूँ। गुड, क्लियर करके किचन विचन देखो कैसे साफ करेगी। बेबी सारे बर्तन तुमने अकेले कैसे मांज दिए, मेरे को बोल देती ना। ग्लव्स पहन के करे ना। मैं थोड़े मांज देता, मुझे आदत है मांजने की। कब हुआ? मतलब आदत गलत बोल दिया, मुझे पसंद है बर्तन मांजना, मजा आता है मुझे। अरे ये वाली कॉफी दी है महंगी वाली। मम्मी देख लो ये जानबूझ के ना लोगों के सामने मेरे को गिराता है। नहीं मैं लोग मेरी बात कुछ करते हैं कि ये लाउड है, ये ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, मैं खराब हो जाती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे महंगी पचेगी नहीं भाई, देसी लोग हैं, हमको चाय में इतना चीनी चाहिए जिसमें चम्मच खड़ा हो जाए।
खड़े चम्मच की चाय। अरे सुनो, पापा मम्मी को तो पंचायत इतनी पसंद आ गई है, मम्मी कह रही जल्दी चला दे फिर से। मैंने बोला ही था, चस्का लग गया पंचायत का। चार एपिसोड अपने गांव की तरह है ना। नहीं लेकिन वो समझ भी आता है, मैं भी भोजपुरी उसमें बहुत काम कर रही हूँ तो एक वो समझ में आता है, कनेक्ट समझ में आता है। नहीं लेकिन लैंग्वेज तो हिंदी में ही बोलते हैं। लेकिन कोई अगर आपका इस लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं भी है, गांव से लेना देना नहीं भी है, तब भी मैं सबको बोलूंगी मस्ट वॉच पंचायत। अब तो पुरानी हो गई लेकिन देखो। तो मम्मी पापा की शादी की बात हो रही थी और मम्मी ने बताया कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक दूसरे को नहीं देखा था, मैंने चोरी छुपे देखा था, लोगों ने बोला था कि हैंडसम है दूल्हा। लेकिन शादी के बाद मैंने जब बारात जा रही थी, मतलब जब अपने घर जा रहे तब मैंने चोरी छुपे देखा था। मतलब उससे शादी हो गई और मम्मी का इतना बड़ा घूंघट है और दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, और पापा ने मम्मी को देखा शादी के 1.5 साल बाद गौना में। जब मतलब गौना में, मतलब वो क्या होता है पापा, विदाई में मम्मी को 1.5 साल के बाद कहते हैं थोड़ा सा देखा था। तो मतलब मम्मी ज्यादा एडवांस है, शादी के दिन ही थोड़ा सा देख लिया, पापा को 1.5 साल लग गया। पापा को 1.5 साल लग गया, फोटो भी नहीं मिली पापा। देख पाई एकदम कि इनका घर था ना, ऐसा था एक घर में जैसे दो दरवाजे पहले होते थे, हाँ। दो ऐसे बंद करते, हाँ। तो दोनों के बीच में इतना वो करके हाका होता है। अच्छा, उसमें से देखी तो दो जने बैठे, दो बहन की शादी एक साथ हुई। अच्छा, दो दूल्हे बैठे थे। तो आपको कन्फर्म नहीं हुआ कि कौन सा दूल्हा मेरा है? तो ये पता नहीं चल रहा था, वो भी सुंदर है बहुत, ऐसे लंबे, तो मैं वो कह रही। अच्छा, वो आप उनके साथ नहीं चली गई? हाँ, चली जाऊंगी, और लोगों को तो पता था ना, हमें नहीं पता था। हम दोनों दरवाजों के बीच से देख रहे थे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरी शादी हो रही है, मुझे पता ही नहीं कि दूल्हा दिखता कैसा है। जब गांव में विदाई होती है ना, जिस दिन बारात जाती है उस दिन लड़के को दूल्हे को घर में बुला के टीका उका करते हैं, तब देख सकते हैं, पैसे देते हैं हाथ में। अच्छा, तब लड़का जाता है, सरलाला होते हैं। बुलेरो भी तो मिलती है? बुलेरो नहीं, बुलेरो नहीं। पापा को तो शादी में मिला था एक रेडियो और एक घड़ी। रेडियो घड़ी, जिसमें रेडियो चला ही नहीं। चला था कुछ दिन क्या, पूरा चला था। अच्छा, उसके बाद सुबह जब दोनों जने देखे तो वो कह रही है ये 13 वाला है, मैं कह रही नहीं ये 13 वाला। एक ही कमरे में हम दोनों बहन थे। अरे, कोहबर बनता है ना? कोहबर, हाँ। तो कोहबर में ही लड़की, कोहबर क्या होता है? होता है वो दीवार में उठाप लगाते हैं, वो जो हाथ लगाते हैं हल्दी, हाँ। वही कुछ भी शुभ काम होता है तो वही लड़की को लेकर बैठाते हैं। अच्छा, वही कमरा में रखते हैं। तो उसी में हम दोनों थे, सारे लोग तो दूल्हा को विदाई में लगे थे, टीका कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कपड़े लगे। हाँ, तो हम दोनों बहनें देखी तो थी नहीं पहले, मुंह बंद करके शादी हुई, पूरा ऐसे झुका के। आप दोनों बहनों ने भी एक दूसरे को नहीं देखा क्या? नहीं, बहनों ने तो देखे लेकिन दूल्हा नहीं पता चल रहा कौन किसका है। तुम एक बात देख रही हो बेबी, जिस दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा उनकी शादी चलते हुए 40 साल हो गए, और आज की डेट में सब कुछ देख के साथ में रह के लोगों की 2 साल शादी नहीं चल रही है। देखो, ये होते थे पक्के रिश्ते मम्मी पहले वाले। कोई तो मम्मी बड़े बुजुर्ग सोच समझ के चीजें करते होंगे। पुरानी शादी कोई नहीं टूटती, नई वाली ही टूटती है। और जबकि नई वाली में साथ रह भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, घूम भी लेते हैं, उसके बाद मैरिज है, दोनों लड़का लड़की अच्छा खासा जानते हैं, उसके बाद टूट जाती है। कभी सोच ही नहीं सकते कि तोड़ेंगे। तोड़ना तो एक दूसरे को तोड़ते हैं रोज, लेकिन शादी नहीं तोड़ेंगे। वो एक घंटे में झगड़ा, 5 मिनट में हम खुद टूट जाएंगे, वो मंजूर है। लेकिन अरे 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 भाई साहब, पापा का डायलॉग, टूट जाएंगे लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। एक रेडियो और घड़ी पे ऐसा फंसे हैं, बताओ। ये अभी हमारे घर पे पहुंचा है, और ये मुझे लग रहा है केक है 2 मिलियन का। अरे यार, पर एकदम सही सलामत पहुंचा बिना टूटे उठे। सोनल मैथ्यूज, थैंक यू सो मच सोनल, इतना प्यारा केक देने के लिए। आई थिंक इट्स अ ब्लैक फॉरेस्ट केक। मैं तो खा भी नहीं सकता, मैं भी नहीं अभी तो खा सकती। मम्मी पापा ही चाबेंगे पूरा। नहीं, थोड़ा थोड़ा किसी ने प्यार से खा लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो खा ही लेना चाहिए। टेस्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा। थैंक यू सोनल। तो जी, चेरी मम्मी के पास खुद पहुंच गई प्यार करवाने, क्योंकि मम्मी कैंडी को प्यार करती है। मम्मी आप प्यार नहीं करते, मैंने आपको बोला है आप पक्षपाती हो। आप पक्षपाती हो, भाग के जा रही है वहाँ, खाना खा के उसको जोश चढ़ा रहा हूँ। और आपके पेट पे उसको गद्दा जैसा भी लग रहा है ना, आपका पेट गद्देदार है ना। वाला बाबू अभी ना ये करके आपके पास वही जाने थी मेरे भाई, रास्ते में अभी ये मिल गई, थोड़ा गद्देदार गद्देदार।
खाना खाया, थोड़ा जूस है ना उसको। ये क्या बना रही हो? चटनी। मम्मी को अपने स्टाइल में चटनी चाहिए कुछ, सरसों के तेल में। तो तुम बना पाओगी? नहीं, मैं पूछ रही ना मम्मी ये तो रही। मम्मी से बोला हुआ है तो आप डाल सकते हो। ये क्या छांट छांट के एकदम तीखी तीखी मिर्ची निकाल रही है? तीखी तीखी मिर्ची खा रही है और बीपी की दवाई भूल जा रही है। मम्मी मत करो ऐसा यार, ये तीन डाल दी मिर्ची, पता है कितनी तीखी है मिर्च। और ये कितनी हरी एकदम चटाकेदार है। मेरे को पता है मैंने आज दिन में काटी थी सिर्फ, मैंने फाड़ के ना कुछ चावल को वो कर रही थी, मेरे उतने में ना मेरा हाथ वहाँ जलने लग गए, जो मेरा हाथ जल रहा है। आप निकालना मत, मैं निकाल। मैंने अब तो कर दिया, हाथ मत डालना उसमें। अब तो हाथ डाल दिया मम्मी, लहसुन दो उसको। ये खा जा रही है जो इतना तीखा है, बताओ उसमें था ना छिला हुआ था? हाँ छिला हुआ होगा। चलो नमक दे देती हूँ एक दो तो डाल। कैसे फटाक से मम्मी लहसुन छील दिया आपने, मेरे को तो एक घंटा लग जाता है छीलने में। मम्मी देखो नमक इतना और चलेगा, वो बढ़ेगा तो। नमक ज्यादा नहीं खा रही हो आप कुछ मम्मी? नहीं नहीं ज्यादा नहीं। हंस रही है, देखो हंस रही है। चटनी का मतलब चटक, चटनी मतलब चटक। अरे वाह, इनको चटकारे चाहिए, चटकारे लगाने हैं इनको, चटकारे चाहिए भाई। चटकारे के लिए तो चटनी बनती है। इतनी तीखी है सास की क्या बताऊं, मेरी सास तीखत बाड़ू, तीखत बाड़ू। हो गया सब, आपको कैसा चाहिए मेरे को बता दो, है ना? तो आप देख लो, ये देखो कैसा वाला चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा। तो आप ना अपने अकॉर्डिंग इसको कितना पीस ना पीस सकती हो, देखो है ना। बस दो निकाल के, पापा को ऐसे ही थड़थड़ी चाहिए थी ना चटनी। ये मैं ना चटनी को निकाल देती हूँ। लोगों को भी नया तरीका सिखा दो ना मम्मी, आप क्या करना है इसमें? अब मम्मी इसमें प्याज मत डालो, अगर आपने बचा दिया ना इसको तो फिर हाँ, क्योंकि सारा का सारा खाएंगे नहीं पापा। काट के दे दे, इसमें डलेगा सरसों का तेल। आप खा के देखो ना कितना टेस्टी होगा। जरा बताना मम्मी कितना डालो। बस आप लोग ही ट्राई कर सकते हो। मुझे याद है मैंने मम्मी ने एक बार पहले बनाया था, बट ऐसा कुछ नहीं, कुछ अलग बनाया था और ऊपर से कच्चा सरसों का तेल डाल के चावल के साथ मैंने इतना ज्यादा खा लिया कि मेरा पेट खराब हो गया था मम्मी। और ज्यादा आप खाते नहीं हो ना, हमें कुछ नहीं होगा। दिस इज अ न्यू रेसिपी दोस्तों, ये अपने आप में एक रेसिपी है, देखो आपको ट्राई करना चाहिए। आई थिंक यूपी बिहार में तो मम्मी बहुत करती है। यूपी बिहार वाले सरसों का तेल खाएंगे, लेकिन दिल्ली वाले कच्चा तेल नहीं। कच्चा तेल मैं दिल्ली वाले खाते हैं, बंगाली मैं तो खा लूंगी जी। हमने भी खाना खा लिया, मम्मी पापा ने भी खाना खा लिया अपनी फेवरेट चटनी के साथ। पूरी जितनी चटनी बनी थी वो सब सारी खा गए, ज्यादा मम्मी ने खाई है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे घर में पंचायत खत्म नहीं हो रही है, लास्ट एपिसोड तक चल रहा है और दोनों मियां बीवी ऐसे बैठे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे अपनी जगह। मम्मी पापा को ऐसा नशा हो गया पंचायत वेब सीरीज का, आज मैं पूरी खत्म कर डाली, पूरी खत्म कर डाली। तो अभी सुबह तो अविनाश की शूटिंग है सुबह तो मेरे को 5 बजे उठना पड़ेगा, 5:30। ऐसी कौन सी शूटिंग है कि 6 बजे पहुंचना है? अरे गाइडलाइंस है ना। नहीं, शूटिंग 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है बॉम्बे में। ऐसा है क्या? इसीलिए 6 बजे तो शाम को 6 बजे तक फ्री हो जाओगे? कोशिश तो ही रहेगी, 6 का 7 बज सकता है। मैं आऊँ कल तुम्हारी शूटिंग में, आ जाओ देखती हूँ मम्मी पापा के साथ क्या प्रोग्राम बनता है। अगर मैं आ पाई तो आ जाऊंगी तुम्हारी शूटिंग में, ब्लॉग करूंगी आके। तो आपको मिलते हैं कल, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज द मानस एंटरटेनमेंट। ऐसी कोई चीज तुमने नहीं खाई है कि तुम बोल ना पाओ। मैं ड्रामा होम्योपैथी कर रही हूँ ना। ये कौन सा होम्योपैथी है इसमें ऐसे लेटना पड़ता है।